हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है। आज देखो सबके सब एक साथ है यहाँ पर, और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही टेस्टी व्लॉग। लेकिन आज हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं खाने के लिए, आज हम यहीं पर बनाने वाले हैं। और आज के कुक हैं यशी टाक एंड सूरज पाल सिंह। यशी को सुबह मेरा पेट खराब हो जाएगा। नहीं यार, तुम दोनों कुछ मत बनाओ यार। आज हमारा पूरा का पूरा ध्यान इसी पे रहेगा कि कैसे इन तीन जनों का पेट खराब किया जाए। तो वैसे हम में से किसी को भी नहीं आता है कुछ भी बनाना। चिया को पिज्जा बनाना आता है, ये हमारे को, मेरे को और यशी को गाइड करेगी कि कैसे बनेगा। और बनाना हम दोनों को ही है, और कंपटीशन होगा हम दोनों के बीच। और इसके जज होंगे अभिषेक और हर्ष। हम तो सुबह पता लगेगा कैसा बना है। तो इसके जज होंगे अभिषेक और हर्ष। और चियू तो क्या है, साथ में देखकर बनाएगी तो वो खाएगी, लेकिन टेस्ट करके बता देगी किसने अच्छा बनाया। लेकिन इन दोनों को नहीं पता होगा उस पिज्जा में से। हम लोग दो पिज्जा बनाएंगे, ये लोग उधर रहेंगे रूम में, पिज्जा बना के इनके सामने लेकर जाएंगे, और देन देखते हैं किसके पिज्जा को ज्यादा वोट मिलेंगे। देखो मुझे पूरा भरोसा है कि इससे पिज्जा तो नहीं बन पाएगा। एक मिनट रुक जा, मुझे पिज्जा मुझे आया। लेकिन वो क्या है, तूने मुझे आईफोन 12 प्रो मैक्स गिफ्ट किया है ना, तो फिर हो सकता है मैं तेरे को जीतने दूं। अच्छा एक मिनट रुक जा, देख मैं पूरा पिज्जा बना दूंगी, लेकिन मेरे को एक ही चीज नहीं आती चाहिए, इधर नींबू काटना होता है क्या पिज्जा में? नहीं, फिर तो मैं जीत गई। नींबू तो काटना नहीं आता ना मेरे को, मुझे उसमें क्या आता है? लेकिन उसका सामान तुम्हें चियू के साथ जाकर लेकर आना पड़ेगा। हमारे को कोई आइडिया नहीं क्या सामान आता क्या नहीं आता, लेकिन अब तेरे पास कार है, कार तो हमारे को चलाने देता नहीं है, तो चियू के साथ जाके तेरे को लेकर आना पड़ेगा। चलाने दूंगा तो जल्दी चाबी ले जा। मंदिर पता नहीं ऐसी दीदी आ गई, कहते हो दीदी जल्दी से जाओ सामान लेकर आओ, और दो समोसे भी। अरे नहीं, पिज्जा खाने के बाद उसे समोसे लगेंगे जैसा आपका पिज्जा होगा ना। तो जब तक ये लोग पिज्जा का सामान लेकर आते हैं, तब तक मुझे आपसे कुछ शेयर करना है जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। गाइस मैं इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सेविंग्स को डिजिटली इन्वेस्ट करना शुरू किया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या नहीं करता हूँ, या अपनी सेविंग्स को कैसे यूज करता हूँ। तो जी हाँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ उनको, और हाल ही में मैंने डिजिटली इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले मुझे लगता था कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है। आप थोड़े से पैसे जमा करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस टाइम मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही था कि अपनी सेविंग्स को डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करूं। खुद कुछ महीनों से कर रहा हूं, एंड मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना और भी इजी हो गया है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं अपस्टॉक गोल्ड। एंड इसे आप कहीं से भी यूज कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से, एंड इसमें बहुत ही सिंपल एंड फास्ट अकाउंट ओपन हो जाता है कुछ ही मिनट्स में। एंड मैं बताता हूं, अपस्टॉक गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप 99.9% प्योरिटी 24 कैरेट वाला गोल्ड खरीद सकते हैं। आप लाइव मार्केट प्राइस पर कभी भी गोल्ड को खरीद और बेच सकते हैं कहीं से भी, तो ये बहुत ही इजी एंड स्ट्रेस फ्री है। ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 1 रुपी, एंड आपका गोल्ड 100% सिक्योर वॉल्ट्स में रखा जाता है, तो आपको सिक्योरिटी की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज देर इज नो मेकिंग चार्जेस ऑफ 5-8% विच फिजिकल गोल्ड फ्रॉम ज्वेलर्स अट्रैक्ट। हाउएवर 3% जीएसटी इज टू बी पेड, एंड अपस्टॉक गोल्ड पर अकाउंट ओपन करने का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ क्लिक करिए, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करिए एंड अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। गाइस 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 गाइस, आगे वीडियो देखे बिना पहले कमेंट करके बता दो कि किसका पिज्जा आपको क्या लगता है, पिज्जा मैं ज्यादा अच्छा बनाऊंगा या यशी ज्यादा बनाएगी। कमेंट कर देना भर के खूब सारे, ठीक है ना। इन दोनों ने तो खुद का खाना खाना भी चालू कर दिया, इसको भी बताएंगे अच्छा पिज्जा नहीं बना पाएगी। अच्छा कुछ बैट तो लगाते ना अपन, जिसका पिज्जा को वोट ज्यादा मिले उसको कुछ लाइक प्राइज है कुछ ऐसा। बहुत ही उद्यमी आइडिया है लोगों के दिमाग में, जो भी हारेगा, नहीं खर्चीला आइडिया, उद्यमी भी है, जो भी हारेगा उसका डेबिट कार्ड 24 आवर्स के लिए दूसरे बंदे के पास, यानी कि जो जीतेगा उसके पास रहेगा, और उससे वो कुछ भी शॉपिंग कर सकता है। एंड उसका भी ब्लॉग बनेगा और वो हमारे सेकंड चैनल पे जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो मैं हारा, कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाएगी, एक टी शर्ट खरीदेगी, बैंक अकाउंट खाली। ओके तो सारा सामान आ चुका है, वेजिटेबल्स, बटर, कॉर्न, ऑरिगैनो, ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, ओके, मेयोनेज, तेरे को आता है क्या बनाना? हाँ, पिज़्ज़ा डंपलिंग, ओके, मशरूम, चीज, नहीं ये बटर है वो चीज है, अरे राम, अरे वो ये देख पड़ चीज है, ओ अच्छा सॉरी, फिर मैंने फिर ये है ना बटर, ये रहा, हाँ वो ये भी चीज है, और ये थिन क्रस्ट, क्या बोलते बेस, पिज्जा बेस, ओके, पिज्जा बेस, और मेरे मोटिवेशन के लिए, पिज्जा नहीं होता, मेरी मोटिवेशन के लिए, हे ब्यूटीफुल, तेरे को नहीं बोलूंगा आज, तेरे से मेरा कंपटीशन है आज, नहीं सुनना, नहीं आज पिज्जा नहीं होता, पिज्जा होता है, पिज्जा नहीं बोलते, तो बोलते पिज्जा, पिज्जो खाऊंगी मैं तो हर्ष। गाइस ये हमारे को सिर्फ इतना बताएगी कि कौन सी चीज कहाँ पर किस टाइम पर डालनी है या करनी है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है वो हमें खुद ही डिसाइड करना है। तो और देख मेरे तेरे मोटिवेशन के लिए मैंने अपना ये लगा रखा है। मेरे को मोटिवेशन मिलती है हल्की हल्की, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अलग सा मोटिवेशन आ रहा है मेरे अंदर। ज्यादा बोल रही है? हाँ
ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो जीव पहले क्या करना है हमें ये बता दे। मशरूम उबाल लो पहले। तो पहले मशरूम उबाल ले। बहुत टेस्टी पिज्जा था, इसने हमारे पिज्जा के पैसे नहीं दिए तो इससे हम काम कर रहे हैं। बहुत टेस्टी था। बर्तन में तो रहो पिज्जा ये बनाएंगे। पर ऊपर का ही कटेगा, थोड़ा थोड़ा काट के इसको फेंक दो। पूरा टूट गया। हमारे पास नमक नहीं है तो तुझे पता है ना क्या करना है। हाँ, तुम दोनों को मारना है। ए, गरीब हूँ मैं, नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। ले लिया ले लिया भाई, लिया लिया जल्दी से लिया। भाई ये एक साल का लिया है तू नमक। मैं ये बात क्या, आंटी नमक दे दो बेटा, वो रहा किचन ले ले अपना ही घर है। अरे इतने प्यार से मुझे मेरी माँ ने नहीं दिया नमक। वाओ यार, ये तो बहुत अच्छी वाला वो है नमक, वो क्रिस्टलाइज वाला होता है ना। नमक में पता नहीं भाई, मुझे वही खाया टाटा नमक। हाँ, टाटा नमक आता है। अभी हमको सबसे पहले चॉप करनी है वेजिटेबल्स, ठीक है। अब वो हमारे ऊपर है कि हम कितनी बारीक कर रहे हैं, कितनी मोटी, जैसे हमारे को रखनी है वैसे, ठीक है। और मेरे में से चीटिंग बिल्कुल मत करियो तू। अब तुम दोनों जाओ और उधर वाले रूम में, और चीज ये गेट लॉक कर देना। अब तुम्हें इधर नहीं आना, अब तुम्हें सीधा पिज्जा मिलेगा, ठीक है। मस्त आराम से सो वहाँ पर, रेस्ट करो, आज मैं तुम्हारे को छुट्टी देता हूँ। जाओ, अब तुम दोनों जाओ उधर। कैप्सिकम मैं काटूंगी, कैप्सिकम क्योंकि एक है तो ये आधा करके मुझे दे रही है, तो मुझे मेरी आधी कैप्सिकम प्लीज दे दीजिए। देखते हैं इसकी मम्मी ने इसको क्या सिखाया है। ले ले पकड़, अब जा। शेफ सूरजपाल सिंह जग चुका है अंदर का। मेरे चक्कू में धार कम है। ऐसे सोच रहा हूँ कैसे काटूं। हमारे मशरूम्स रेडी हैं। यार तू प्याज काट रही, मेरी तो ये खत्म नहीं हो पा रही। मैं कच्चा खिलाड़ी निकला। देखा मेरे को बीकू ने क्या क्या सिखाया है। मम्मी ये देख के ऐसे बोलेगी, बोले तेरे से घर में तो कभी काम होता नहीं है और बन रहा है मास्टर शेफ। चिया काट दूं क्या? कैसी प्याज छीली है? धोखेला प्याज को चल। धोखेला थे? और क्या, मैं भी धोखे नहीं लाई तेरे सामने कभी जिंदगी में। मेरे को कुछ बना खिलाया तूने? मैंने तो फिर भी देखो पोहे बना के पोहे बना के खिलाए थे इसने 8 साल पहले 7 साल पहले 9th class में था जब, वो भी खुद के लिए बना कर लाई थी, जो मैंने टिफिन ले लिया था, मैं भूखा था। ओए यार कितना झूठा है यार ये, कितना झूठा है बेशरम भाई का। और वो भी पता नहीं किसी और लड़के के लिए लाई हो, तो वो आया नहीं हो, छुट्टी पे होगा, इसलिए मेरे को दे दी इसने। हाँ क्या, डांस करने तो मेरे साथ दूसरा लड़का आता था ना। यार तू तो, मैं देख ये प्याज मेरे का काट रहा है, मैं नहीं कर रही। सुन सूरज, कैप्सिकम और प्याज वाला बनाएंगे, कॉर्न वाला ये नहीं लगे टमाटर गंदे से, मुझे पसंद नहीं टमाटर। हम बना रहे हैं मिक्स वेज पिज्जा, वेजी बस पिज्जा है मेरा नाम, मेरे पिज्जा का नाम है वेजी बस पिज्जा। इट्स कॉल्ड वेजी पैराडाइज, इसको इतना भी नहीं पता, जाएंगे वेज लोडेड पैराडाइज। तो गार्डन को बोलते हैं शादियों के गार्डन के नाम होते हैं आमिर पैराडाइज और वो कौन है, आमिर पैराडाइज, आईएस पैराडाइज। देखो जयपुर में ना आमिर पैराडाइज कुछ भी नहीं है, एक आईएस पैराडाइज जरूर है। यशी प्लीज ध्यान से करिएगा, आपके हाथ नहीं चल जाए बहुत। आप कहीं तो आपके लिए मैं निकाल दूं? नहीं। ओ मम्मी मेरा हाथ जल गया। एक बात और बताऊं? क्या जीव? इनको धो मशरूम को। मैं धोती हूं जी, मैं धोती हूं। जा कालू चले जा यहां से। मशरूम धोने कौन बना रहा, किसका कौन सा है? प्याज से ना मेरी जुकाम बढ़ जाती है हमेशा। थोड़ा सा ना अपना है ना वो मेयोनीज भी डाल देना पिज्जा में। यार सूरज तो कितना गंदा है, सूरज तू भाग यहां से। सूला की का बच गया गाइस, अभी टूट जाता है। तेरा फोर क्यों है यार, फिर वो पूरा वाला करना। तूने इतने छोटे पिज्जा में 8 slices कर दिए। मैं दूसरा बेस लूंगी। नहीं नहीं नहीं, वही 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 वही, चीटिंग नहीं। नहीं चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं रख। नहीं नहीं नहीं, चीटिंग तो तुझे क्या है ना, मेरे पास बेस ऐसा छोड़। नहीं नहीं नहीं, अरे अरे फिर उनको पता चल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। चल चल चल, अरे इसको कभी और साला चीटिंग करती है, चीटिंग। अच्छा बताए मैं तो मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ। अब की बार अगर तूने मेरे साथ झगड़ा ना, मैं तेरे को बहुत मारूंगी, मैं ऐसे लग बनाऊंगी। अच्छी हूँ, एक बार सब कुछ एक साथ समझा दे कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, और उसके बाद मत बताना कुछ भी, तो एक साथ बता दे सब। सुनो इस पे मेयोनीज लगेगी अभी थोड़ी, ठीक है ना, उसके बाद छोटे छोटे थोड़े से बटर डाल लेना, थोड़े से नहीं आपको जितनी मर्जी हो करना, ठीक है।
फिर उसके बाद इस पे मोज़रेला चीज करना, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद कैप्सिकम डालना, अनियन, टमाटो, वेजेस डाल देना और मशरूम, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली, फिर ऑरिगेनो, हाँ, और कॉर्न को थोड़ा धो लेना, अच्छा थोड़ा सा, ठीक है, और फिर डाल लेना, फिर उसके बाद दूसरी वाली चीज है उसको करना चीज, यार चीज़ मैं तो भूल जाऊंगी, खड़ी रहना प्लीज। नहीं 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 नहीं, एक बार में, अभी एक बार में होएगा, उसके बाद, इसके बाद नहीं बताएगा, तूने याद कर लिया ना, देख तू है ना मेरे पे चीटिंग करके बनाएगा, मुझे पता है क्या तो ये सब कुछ याद है क्या? हाँ बिल्कुल याद है, मुझे एक चीज याद है। हाँ तो ले बना, ले बना, ले बना, तू उधर जा, उधर लेके चल जा, अब चला जा, लेके चल जा उधर, तू लेके चल जा, जिसको दिक्कत है वो जाएगा। किसको तू बेशरम, मैं खुद का बना रहा हूँ, मैं तेरे देख भी नहीं रहा, देखने लायक ही पिज्जा नहीं तेरा, बहुत बुरा लग रहा है। मेरा पिज्जा तुझसे 10 गुना अच्छा है। तेरे से पहले मेयोनीज लगा ली, तेरे से एक स्टेप आगे चल रहा हूँ मैं। देख रहा, तो भूल गया, अब मुझे वेट करना पड़ेगा, ये क्या करने वाली उसके बाद। नहीं उधर हो जा, सूरज बहुत पिटेगा। मैगी आपकी चीज अलग है, वो काट बटर, ये रहा, पहले बटर डालना था क्या? मुझे नहीं याद, तू अपने हिसाब से काम करना, बड़ा बन गया ना शेफ। ठीक है ठीक है ठीक है। गाइस यहाँ पर शादी पार्टीज के ऑर्डर्स लिए जाते हैं। सूरज बस कर चीज को क्या मारेगा क्या बेचारे को, मुझे मेरे हिसाब से बनाने दो। ये भैया है ना, जिसको भी खिलाएंगे ना उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो पता नहीं कहाँ जाएगा। वेजीज कुछ यही हो ही नहीं रहा, वही ये देखो ही नहीं, उल्टा कौन करता है, ओ सॉरी है। मेरा चीज बस्ट पिज्जा है, वो क्या चीज बस्ट, वेजीज बस्ट, सब बस्ट पिज्जा, दिस इज खेती बाड़ी पिज्जा। दोनों डिफरेंट लग रहे, मजा आएगा। ओहो हो, चीज की बरसात हो रही है भाई। मुझे ना प्याज पसंद नहीं, मैंने काट तो दी पर मैं सोचूं ना डालूं। I'm just going to add corn. Reaction. लाला कौन दे? Ooh, beautiful सा पिज्जा भी। एक बटर वो डाल। पागल है क्या सूरज? अब देख, अब कुछ उल्टा ही बनाया, देख। बटर नहीं है वो, चीज है। हाँ, whatever. Whatever. Please give it to me. रुक जाना, मैं दिख नहीं रहा क्या कुछ कर रही हूँ? हाँ मुझे दिख रहा है, आप सब खराब कर रही हैं। ओह प्लीज, तू पागल तो नहीं हो गया? अब कुछ बना ही देता हूँ, मैं भी देखता हूँ कि क्या बनाता हूँ मैं। काश तूने पहले ही देखा होता कि तू क्या बना रही। मेरा रेडी है, देख लो कैसा लग रहा है, बाहर से कैसा लग रहा है, ऐसे दूर से कैसा लग रहा है, अभी बन के आएगा ना तब देखना, ऐसे पानी आ जाएगा आपके मुँह में से। कितनी देर में रेडी होगा? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे रख दो। मेरा देख के बता दो कि किसका। अरे पागल है क्या? अरे देखो वो अंदर से आया गरम गरम। अरे रिंग की तरफ फंसा लो। अच्छा गाइस आप एक बार देख के बताओ कि किसका पिज्जा देखकर आपके मुंह में ज्यादा पानी आ रहा है, ये यशी का है, ये मेरा मेरे वाला कितना हरा भरा है। मेरे वाला तो पका दो। आजा आजा भाई, देखो आप टेस्ट करो फटाफट से। ये यशी दी ने बनाया ना, कुछ भी पता नहीं किसने कौन सा बनाया, कुछ नहीं बता रहा हूँ गवार। हाँ करो, देख तेरा वाला ऐसे है, एक साथ काट के। भाई 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 यार, भाई मैंने टेस्ट करो, टेस्ट करो। अरे गिरा गिरा मत, गिरा मत, तू भी मत गिरा कर। अच्छे से 2-3 बाइट लेना हर उसमें से। कैसा क्या है? मेरे को भूख लग गई। कट कैसे है? 2 बाइट अच्छे से टेस्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, तुम खाओ पानी पियो, उसके बाद दूसरा टेस्ट करना। चल चल का का का, इस चीज में लूटा किया है मैं। चल चल चल, और दोनों के दोनों बीच में से खाना ताकि अच्छे से तुम्हारे को टेस्ट आ जाए, मतलब जैसे भी तुम्हारे को इच्छा। कालू कितनी गंदी शक्ल बना रहा है, तुमने भूख आ गई। मैंने दी थी नेचुरली ऐसी ही है। ये पिज्जा मैंने बनाया, ये बनाया। और एक बात बताओ तुझे, चीजें इसने ना ज्यादा डाली है ना, और इसमें है, इसमें कम है, लेकिन इसमें बैलेंस लग रही है। देख ले, बहुत बोल रहा है, बाकी डाली तो अपने सामने, चिया डाली अपने सामने। रिव्यू देख, एक्चुअल में पिज्जा जैसा होता है। अभी अभी तो टाई हो गया, ये तो गलत बात है। चिया तू का टेस्ट चल बेटा। चिया देख, ओए, genuinely बता, genuinely,
जय श्री राम। इक्वल है ना दोनों? बता बता, सही सही बता दे फटाक से। ये वाला शॉपिंग करूंगा शॉपिंग करूंगा। लुट गए तुम, मेरे बर्थडे पे भी लुट गए, तुम वापस लुटोगे। तो चीव का पिज्जा रेडी है। हाँ। सब्जी वाली रोटी खा रहा है आज। क्या बढ़िया बनाया सूरज भैया ने। मुझे ना ज्यादा सब्जियां अच्छी लगती है, तो मुझे इसलिए चिया का ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा है, मुझसे भी अच्छा है। अरे यार चिया जीत गई। ओके तो विनर आपके सामने खड़ा है, कांग्रेचुलेशन जरूर बोल देना कमेंट बॉक्स में। thank you, इनको बोल देना बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके गाइस, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप भी अपस्टॉक गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस अकाउंट ओपन करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई होप आप लोगों ने आज का वीडियो बहुत एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।